हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न दैट हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ टेक प्लेस। दैट मींस लीफ से एक नया प्लांट कैसे बन सकता है। सो वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफिल्लम। सो हियर यू कैन सी, ये एक ब्रायोफिल्लम का प्लांट है, ठीक है। तो ब्रायोफिल्लम के प्लांट के लीफ में आप ये देख सकते हो कि ये लीफ के नॉचेस हैं, मार्जिन पे जो नॉचेस हैं। हियर यू कैन सी स्मॉल लीव्स आर देयर। Here you can see that very small leaves are there. Now ये जो leaves होते हैं ना, इनमें adventitious buds होते हैं। जब तक ये leaf में लगे होते हैं तब तक तो ये inactive होते हैं, but when they fall into the soil then they become very active and then वो नए plant में germinate हो जाते हैं। So I will show you. For example, I take a small leaf. So here you can see कि leaf में this is adventitious buds, okay? So जब ये leaf, जब ये soil में गिर जाते हैं leaf automatically अपने आप ही गिर जाते हैं, okay? And then जितने भी leaf गिरते हैं soil में, so they grow into new plants. For example, here you can see कि यहाँ पे कुछ leaf गिरे हैं। सो ये देखो, ये नए प्लांट बन गए हैं। आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल दैट आई हैव, मैंने लेके इस पे लगाया है। सो हेयर ऑल्सो यू कैन से सी दैट ये न्यू प्लांट्स में डेवलप हो गए हैं। दैट मीन्स लीफ जो कि एक वेजिटेटिव पार्ट है, इस लीफ से बहुत सारे और नए प्लांट्स बन गए हैं। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीव्स फ्रॉम or of bryophyllum plant. I hope that this is clear to you. Thank you.